ओल्ड मोंक बटेरे जो बनते हैं इसी से बनते हैं। एक तो बटेर गरम, ऊपर से घी हमारा गरम, तीसरी से ये हमारी रम गरम। ये भैया दोनों जा रही है जी बीच में। लोग कहते हैं ये दिखाते हो या खिलाते भी हो, मैंने कहा मैं खिलाता भी हूँ भैया। और सर्दियों के टाइम में इसका जो यूज होता है ना ओल्ड मोंक का, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। बढ़ भी जाता है। रम पी के इसकी चेस कैसे भूल गई है, यही चेस आप खाएंगे तो आपको कितना जायका आएगा। रम के अंदर इसका दम आ गया है ना, दम आ गया इसमें। रम में दम मिल गया इसको। सत श्री अकाल जी। सारे मायसेल्फ जसमीत सिंह फ्रॉम बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर। आज हम आपको दिखाएंगे जी जो हमारे स्पेशल बटेर है, सर्दी की खुराक, वो कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं आपको। तो देख सकते हो दोस्तों क्या क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे जो बटेर है ना वो लाएगी। कितने पीसेज होंगे सर आज? ये नेल बोर्ड है जी 130-140 के लगभग है। 140 के अराउंड। बहुत छोटा होता है ये, लेकिन सर्दी में इसकी अच्छी डिमांड निकलती है। तो देख सकते हो दोस्तों बल्क में आज जो ऑर्डर है ना यहाँ पे बनाया जा रहा है, और लगभग 140 बटेर जो हैं वो तैयार किए जाएंगे यहाँ पे। जो मेरी जो भी कुकिंग होती है या तांबे में होती है या पीतल में होती है, दूसरे बर्तन में मैं किसी में मैं कुकिंग नहीं करता। टेस्ट में फ़र्क आता है बड़े भैया। ग्रेवी का कलर वो बढ़िया बनता है, वो हमारी सेहत के लिए बढ़िया है। ये चीज़ सेहत के लिए अच्छा होता है। जो इसके अंदर कोटिंग होती है वो होती है जिंक की। जिंक हमारे बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। एज यूजुअल आप देखेंगे जी, मैं जो मेरा नॉनवेज का सारा मटन है, पाया है, बटेरे हैं, वो देसी घी में ही बनते हैं। क्या बात है, देसी घी यूज़ करते हैं? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देसी घी जो है वो ले लिया गया है, और उसी के अंदर जो हमारी बटेर है वो तैयार की गई है। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये एज यूजुअल हमारी लहसुन अदरक की पेस्ट, इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे थोड़ा सा लहसुन को। जितना लहसुन गर्म होगा उसकी उतनी फ्रेगनेंस आएगी, और तड़के में बेहतरीन टेस्ट आएगा उसका। बड़े भैया मेरे को 2 साल हो गए इसको सर्व करते को। 2 साल? बिल्कुल 2 साल। लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैं बताना चाहूँगा उनको। ये जितना छोटा बर्ड है ना उतने उसके उतने फ़ायदे हैं। ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, खून पतला करता है, जो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करने वाले के लिए होता है हेल्पफुल, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है ये। डॉक्टर ठंडी में इसको हाईली रिकमेंडेड करते हैं। और मैंने सुना है कि सर्दियों में मतलब ज़्यादातर चलता है, मतलब गर्मियों में? भैया बात ऐसी है, ये बर्ड होता है गर्म, तो गर्मी में लोगों का वैसे खून पसीना पतला हुआ होता है, तो ठंडी में बॉडी को हीट चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण इसकी डिमांड पाए की फिश की बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं जी लहसुन हमारा लाल हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने हल्के से मोटे मसाले, ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, हल्के से, ताकि जो उसका अपना टेक्स्चर है वो भी ऊपर आ सके। ये सारे गर्म मसाले हैं? हाँ जी, हल्के से डाल दो, मैं ज़्यादा नहीं डालता, सिर्फ हल्की सी खुशबू के लिए। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, एज यूजुअल सभी को मालूम है मैं लाल मिर्ची का नहीं इस्तेमाल करता, मैं हरी मिर्ची फ्रेश पीसी ही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, लाल मिर्च यहाँ पे यूज़ नहीं करता? नहीं, मैं नहीं यूज़ करता। क्या बात है, यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाला गया है। अब ऐड करेंगे जी अपनी देगी मिर्च। देगी मिर्च, ये मतलब कलर के लिए होता है? ये कलर के लिए होता है। थोड़ी सी घी का जो तड़का लगता है ना इसका, थोड़ा सा तीखापन भी आता है और कलर भी आ जाता है इससे। इसमें हम ऐड करेंगे जी अपनी थोड़ी सी टमाटो प्यूरी। ओके, यहाँ तो मैं जो अगर टमाटर डालूं तो बॉयल करके डालता हूँ, कच्चे टमाटर नहीं मैं इस्तेमाल करता ज़्यादा, यहाँ तो फिर टमाटो प्यूरी। ये हमारा है सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो आई के शेफ हैं, कारीगर हैं, वो दही का इस्तेमाल नहीं करते, मैं दही का इस्तेमाल करता हूँ अपनी ग्रेवी में। ये देखना आप इसको डालते ही ग्रेवी का कलर कितना बेहतरीन हो जाएगा, और उसका फ्लेवर भी दही का अलग होता है। दही में अपना भी घी होता है, थोड़ा सा घी अगर घी में और मिलेगा और बढ़िया टेस्ट फ्लेवर देता है। इसको 5 से 10 मिनट हम बुनाई करेंगे जी। दही ताकि कच्चा ना रहे, दही की जो अपनी फैट है वो बाहर आ सके और खटास इसकी ख़त्म हो सके। आप देख सकते हैं भैया जो हमने मसाला डाला, दही डाला या हल्दी के जो मसाले डाले वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, घी हमारा सारा ऊपर आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने प्याज की पेस्ट। ये प्याज की पेस्ट है हमारी, ये फ्राइड अनियन होते हैं जी, इसको पिसाई करके हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है काफ़ी गाढ़ा हो जाता होगा, और मतलब प्याज, देखो भैया ग्रेवी बनती 2 तरीके से, या तो टमाटर प्याज की या तो घी की। आप जम्मू कटरा चले जाओ वहाँ पे सारे घी की या गाजर की बनती ग्रेवी। नॉन वेज में हमारे वो ग्रेवी नहीं चलती है। तो जो प्याज वाली ग्रेवी होती है उसके भी 2 होते हैं, 2 तरीके,
एक तो बॉइल्ड प्याज, एक तो फ्राइड प्याज। जो हम यूज़ करते हैं वो फ्राइड अनियन करते हैं ताकि जो नॉनवेज का टेक्सचर थोड़ा सा क्रिस्पी बना सके, करारा आ सके। ये भैया अब आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट, क्या ओल्ड मोंक बटेरे, जो बनते हैं इसी से बनते हैं। मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए नहीं करता, मैंने इसमें यूज़ किया था, मेरे को इसका फ्लेवर अच्छा लगा था, तब से मैं यही कर रहा हूँ यूज़, मैंने दूसरी कोई यूज़ नहीं की। तो बढ़िया रेसिपी जो है हमारी ओल्ड मोंक डालने के बाद पूरी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या बात है दोस्तों। तो वैसे भी कहते हैं जो बटेर है ना वो काफ़ी गर्म होता है, तभी सर्दियों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और उसके ऊपर से जो ओल्ड मोंक डाली जाएगी उसका तो क्या कहना है। एक तो बटेर गर्म, ऊपर से घी हमारा गर्म, तीसरी से ये हमारी रम गर्म, ये भैया दोनों जा रही है जी बीच में। क्या बात। लोग कहते हैं ये दिखाते हो या खिलाते भी हो, मैंने कहा मैं खिलाता भी हूँ भैया। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हो आप पूरी की पूरी दो बोतलें जो है, यानी कि दो लीटर जो हमारा, दो लीटर तो नहीं मेरे को 750 ml की एक बोतल होती है, पूरी की पूरी दो बोतल जो है वो इसके अंदर डाल दी गई है, और उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है ना बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही यूनिक होने वाला है भाई। आपको खुशबू भी आ गई होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दियों के टाइम में इसका जो यूज़ होता है ना ओल्ड मोंक का, बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। बढ़ भी जाता है। अब इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अब इसमें हम यूज़ करेंगे अपना जो मटन का सूप है ना वो इसमें ऐड करेंगे जी। मटन का सूप? हाँ जी, पानी नहीं डालता भैया मैं। क्या बात है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है, इसको हम काम सिखा रहे हैं नई जनरेशन के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देख लो आप, जितना भी घी है यही हमारे टेक्सचर के लिए काम आएगा। वाह, तो इसका जो फ्लेवर है यार बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। बिल्कुल बढ़ेगा भैया, पानी से वो फ्लेवर नहीं आता। तो भैया एक बात बताओ, ये बोतलें तो आपने डाल दी इसके अंदर, मतलब खाली कर दी, तो इनका क्या करोगे आप? इसमें भैया ये बहुत काम की चीज़ है, मैं ग्रीनरी का बहुत लव करता हूँ, ग्रीनरी को, तो मैं घर लेके जाके इसको रखता हूँ, इसमें मनी प्लांट के लिए यूज़ करता हूँ। क्या बात है, देखिए पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सब लोग जो ओल्ड मोंक यूज़ करते हैं ना वो मनी प्लांट ज़रूर लगाते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है कि इसके लिए मतलब ओल्ड मोंक ने भी आपको रीच किया था, मतलब मेरे को? हाँ जी भैया, मेरे को उन्होंने रीच किया था, मेरी ये ओल्ड मोंक वाली वीडियो बहुत वायरल हुई है। अच्छा। तो स्पेशल दिल्ली से आगे उन्होंने मेरे को गिफ्ट भी दिया, मेरे को क्या बात, उन्होंने मेरे को थैंक यू भी बोला, तो मैं भी उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। देख सकते हो दोस्तों हमारी जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल तैयार हो रही है, धीरे धीरे देखिए पक रही है, अभी जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा ना तो हमारे जो बटेर है जो यहाँ के यहाँ पे रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाले जाएंगे और फटाफट से इनको तैयार किया जाएगा। तो भैया अभी कितना थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से? बस भैया एक दो मिनट और लगेंगे, इसको जैसे ही उबाला आएगा इसका जो टेक्सचर है हम चाहते हैं कि इसके बीच में आ जाए। ओके, तो उसके बाद ही हमारा सेट हो जाएगा बटेर डालने। बटेर सेट है। और कितना टाइम लगता है बटेर? यहाँ से यार 5-7 मिनट और लगेंगे। आप देखो जी उबाला आना शुरू हो गया, ये फुटपुटी बननी शुरू हो गई है, उबाले की तरफ है। अब इसमें हम ये अपने ओल्ड मोंक वाले बटेर ऐड करेंगे जी। वाह, ये देख सकते हैं दोस्तों बातें करते करते ही ना जो हमारे बटेर हैं वो भी रेडी हो चुके हैं डालने के लिए, मतलब हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आपको बताना चाहूँ, ये जितना छोटा बर्ड है ना उतने ही इसके गुण ज़्यादा। आप एक चीज़ गौर करो, जो हमारे व्यूअर्स आप उनको बताओ, जैसे उबाला आ रहा है आपको टेक्स्चर भी आ रहा होगा रम का भी और देसी घी का। बिल्कुल। ये देखो दोस्तों ये धीरे धीरे जो बटेर हैं वो जाने लगे हैं अब इसके अंदर, ये चेक करो। वाह जी वाह, और इतनी क्वांटिटी में दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कहीं पे बटेर बनते हुए। मैंने बिहार पटना में एक बार बनते हुए देखा था, टेस्ट भी किया था, तो उसका जो टेस्ट था और इसका जो टेस्ट है दोनों में देखें क्या किस तरीके का डिफरेंस है ना। वहाँ पे जो डिफरेंस मुझे देखने में लगा था कि वहाँ पे ना ये जो बटेर थे वो फ्राई करके डाले गए थे, मगर यहाँ पे ना देखिए इसे फ्रेश डाला जा रहा है बिल्कुल मसाला पकाने के बाद। वो भैया इस कारण डालता हूँ, जो हमने बीच के बीच में जो हमने रम डाली है इसके अंदर भी तो फ्लेवर जा सके। बिल्कुल, फ्राई करने के बाद फ्लैश है हो जाएगा। हाँ। जो इसका फ्लैश है उसके बीच में टेक्सचर आ सके, इसका जो फ्लैश है वो फीका ना रहे, अदरवाइज वो फ्लैश जो है वो हार्ड हो जाता है फ्राई करने के। हाँ जी, ये भैया ट्यूसडे को थर्सडे को थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज 150 से 200 पीस बनता ही बनता है इसका, बनता है डेली। हाँ जी, क्या बात है। और क्या रेट क्या है इसका? 220 पर पीस। 220 पर पीस। हाँ जी। ये भैया मैं तो ये बोलूँगा, जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी खुराक यही होती थी, जब ब्रॉयलर आने से पहले तितर बटेरे मटन। हाँ। और फिश, और कोई और नहीं होता था, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडा होता था। लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहता हूँ मैं, ये बहुत ही बड़ा बढ़िया है, हेल्पफुल है हमारी सेहत के लिए, बहुत ही अच्छी खुराक है। और 220 रुपये में आप 2 से 3 रोटी इसके साथ खा सकते हैं, यानी कि 250 में आप प्रॉपर एक न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हो।
तो 220 रुपए का पर पीस, मतलब एक पीस हो गया। और अलग से रोटी या चावल भी होता है या रोटी होती है? नहीं, इसको रोटी के साथ या बटर नान के साथ इसका ज्यादा फ्लेवर आता है, ज्यादा फ्लेवर आता है, तो वो अलग से आप ले सकते हैं। हाँ, चावल नहीं इसके साथ सर्व होते, ये हल्के हल्के मसाले के साथ जाता है। ओके। इसको ज्यादा ग्रेवी के साथ नहीं जाता ये। आपको सबसे बड़ी पहचान बताता हूँ, ये मेरे को सभी बोलते हैं कि आप फ्रोजन इस्तेमाल करते हो, मैं फ्रोजन नहीं इस्तेमाल करता। आप ये चेक कर सकते हो, जैसे जैसे ये ग्रेवी में पकता जाएगा ना, ये फूलता जाएगा। अच्छा, फूलता इसी कारण है ये फ्रेश है। अगर फ्रोजन होगा उसका जो रेशा होता है ना फ्लेश का, वो फट जाता, कभी वो चीज फूलेगी नहीं। फूलेगी, जो फ्रेश होगी ना वो फूल जाएगी। दूसरी बात ये देखो, हड्डी पे कलर आना इसका शुरू हो गया है। इट मीन्स जो हमने इसमें मसाले डाले, ये फ्लेश फीका नहीं रहेगा, इसमें मसाले का टेक्सचर बिल्कुल पूरा आएगा आपको। ये आप देख सकते हो भैया, रम पी के इसकी चेस्ट कैसे फूल गई है। यही चेस्ट आप खाएंगे तो आपको कितना जायका आएगा। बिल्कुल दोस्तों, पहले ही जो पीस था ना बिल्कुल पतला सा दिख रहा था मुझे, और ये आप देखिए किस तरीके से ग्रेवी में जाने के बाद ना बिल्कुल ग्रेवी नहीं हुई है, रम के अंदर है, रम के अंदर इसका दम आ गया है ना, दम आ गया इसमें। रम में दम मिल गया इसको, और देखो किस तरीके से ये बिल्कुल फूल चुका है और जूसी हो चुका है। बेसिकली बिल्कुल जूसी हो चुका है, बहुत बढ़िया। आप भैया ये देख सकते हो, हमारे जो बटेर हैं ये रेडी हो चुके हैं। सबसे बड़ी मैं आपको पहचान बताता हूँ, ये देखो मांस है ना, हड्डी ने मांस छोड़ दिया हुआ है। इट मीन्स हमारा ये तैयार है, रेडी टू सर्व है। तो हमारा जो बटेर है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और देखिए अभी निकाला जा रहा है प्लेट के अंदर। इसको हल्के से मसाले के साथ इसी ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे जी। कोई इसको बोले मसाला हमको गाढ़ा चाहिए, उसको गाढ़ा दे देंगे। कोई इसको खाने के साथ खाता है, किसी को होता है मैं दो की तीन रोटी खा लूँ फिर लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसको ऐसे दे देते हैं जी। इसको गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्ची और छोटे से थोड़े से अदरक के लच्छे के साथ इसको ऐसे सर्व किया जाता है। इसका पर पीस है 220 पर प्लेट। इसको टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए आपको आना होगा बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड, अमृतसर। हमारी टाइमिंग है सुबह 12:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। जिन्होंने नहीं अभी टेस्ट किया, छोटे भाई की तरह से आपको रिक्वेस्ट है, एक बार आइए टेस्ट करिए, मेरे को आपको सर्व करने का एक बार मौका जरूर दो। के अलावा भैया हमारे पास होता है मटन भी है, फिश भी है, पाई भी है, चिकन भी है, अंडर वन रूफ मिलेंगी आपको। खरोड़े वगैरह तो मेरे ख्याल से सीजनल होते होंगे वो तो? नहीं नहीं नहीं, 12 महीने चलते हैं। 12 महीने चलते हैं। क्या बात है दोस्तों, फिश, खरोड़े, मटन ये 12 महीने चलते हैं। ये सीजनल ही होता है, लोग इसकी डिमांड कम हो जाती है फरवरी के बाद, ये अंटिल फरवरी के या मार्च तक ही होते हैं। तो लो जी दोस्तों, ये आ गया गर्मा गर्म हमारा बटेर। वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखो जरा बटेर का पूरा पीस, 220 रुपए का पीस है, और मज़ा आ जाएगा आपको खा के, है ना। सर्दियों में गर्मी का मज़ा जो है तो ये बटेर ही दिलाने वाला है आपको। इसके साथ हम रोटी भी लेंगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये ज़रा चेकआउट करो ज़रा, क्या बात है। ये जो हमारा पीस है, ओए होए होए होए, क्या बात है, धुएँ छोड़ता हुआ, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, पूरे पंजाब में ना मुझे लगता है ना, यहाँ सिर्फ अमृतसर में ही मुझे यहाँ पे बटेर देखने को मिला है। अदरवाइज़ मैं सर्च करता रहता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे तो खाने की जिज्ञासा होती रहती है हर जगह, तो मुझे नहीं दिखता कहीं भी ना बटेर बनता हुआ। इस जगह पे ज़रूर दिखता है। तो रेसिपी आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा है इसका स्वाद। भाई इतनी बड़ी जो वीडियो देखी हमने बनते हुए, इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं कैसा है। आ जाओ, ये आ गई हमारे पास तंदूरी रोटी। क्या बात, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। और सबसे पहले ना मैं जो टेस्ट करना चाहूँगा ना वो है ग्रेवी, क्योंकि ग्रेवी से ना एक अलग ही प्यार है दोस्तों। क्योंकि ग्रेवी ना हर जगह की अलग होती है, जैसे हमने बिहार में खाई तो उनकी जो ग्रेवी होती है बिल्कुल चटपटी स्पाइसी वाली होती है। यहाँ की ट्राई करते हैं किस तरीके की। आओ, देखने में तो बिल्कुल थिक ग्रेवी है, मज़े वाली है कि नहीं। अच्छा, ग्रेवी में क्या खास बात है ना दोस्तों, देखो मसाले तो हर जगह डलते हैं, मगर जो होता है ना एक प्याज है, वो एक अलग ही एक फैक्टर होता है यार उसको टेस्ट देने के लिए। जैसे भुना हुआ प्याज हो ना बिल्कुल ब्राउन वाला जो यहाँ डाला गया था, उसका टेस्ट अलग होगा। कच्चा प्याज डालोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, वो हल्का सा मीठा लगता है। अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। आओ, वाह, एक तो मसाले प्याज की ग्रेवी, और ऊपर से जो देसी घी गया ना, बहुत बढ़िया देसी घी का ना प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है, बहुत मज़ेदार। और ये जो ग्रेवी है ना, जैसे मैंने कहा भुना हुआ था ना, तो इसलिए इसको मिठास नहीं आ रही, मतलब मीठा नहीं लग रहा ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट वाली जो ग्रेवी है मसालेदार वो लग रही है। और जो हमारा ये बटेर होता है ना दोस्तों, देखो काफ़ी डेलिकेट सा लग रहा है मुझे यहाँ देखने को। जो हमने पटना में खाया था ना वो काफ़ी बड़ा पीस भी था, मगर हाँ एक चीज़ बताता हूँ,
जैसे इन्होंने बनाने का जो तरीका था, जैसे वहाँ पे क्या करते हैं ना, वो बिल्कुल फ्राई कर देते हैं, तो उससे जो उसका फ्लैश होता है, जो मीट होता है ना, वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। मगर यहाँ पे क्या ना, ऐसे ही डाला था उन्होंने, धोने के बाद, साफ़ करने के बाद सीधा ग्रेवी के अंदर डाला, तो इसका जो फ्लैश है काफ़ी सॉफ्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी था, जैसे वो बन रहा था ना, तो पहले वो पतला सा था, मगर जैसे वो रम डाला हमने, अच्छा हाँ, रम तो डाला हुआ ना इसके अंदर यार, तो इसको कह सकते हैं भुना हुआ बटेर, क्योंकि इसमें रम डला हुआ है। तो उसमें क्या कह रहा था मैं, कि जैसे वो बिल्कुल फूल गया था, फ्लफी सा हो गया था, इसने सारे जूसेस थे अपने अंदर सोख कर लिए थे। तो एक बार ना इसकी जो एक टंगड़ी है वो चेक करते हैं, देखो कितना सॉफ्ट है, ओए होए होए, देख रहे हो कितने आसानी से टूट रहा है, ये चेक करो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ टेस्ट करते हैं। वाओ, बहुत मज़ेदार फ्लेवर जो है ना, वो चिकन जैसा लगेगा आपको, मगर उससे बहुत हेल्दी होता है ना। और इधर देखो, हल्का सा हार्ड होगा क्योंकि ये चिकन और इसमें बहुत डिफरेंस भी होता है। तो फ्लैश जो है ना, देखो खींचने में जिस तरीके से खींच रहा है, हल्का सा हार्ड होगा मगर बहुत फ्लेवरफुल, चिकन से तो बहुत फ्लेवरफुल होगा। चिकन क्या होता है, बिल्कुल ब्लेंड होता है, उसमें अगर आप ग्रेवी के साथ खा रहे हो तब आपको मज़ा आएगा खाने में चिकन, मगर इसका जो फ्लैश है, इसका जो टेस्ट है, इसका अपना खुद का मज़ा है, अपना टेस्ट है इसका। अब एक बार तंदूरी रोटी जो है उसके साथ ट्राई करते हैं। ये आ गई तंदूरी रोटी, ये बनाते हैं बाइट और ग्रेवी टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखो नॉनवेज खाने का असली मज़ा ना, देखो मीट में तो आता ही है, मगर उसके साथ साथ ना अगर आप ग्रेवी के साथ कोई चीज़ खा रहे हो ना, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, अच्छा यहाँ पे ना तंदूरी रोटी होगी, नान होगी, ये सब सर्व किया जाता है, चावल नहीं सर्व किया जाता। तो वाह, पास आओ एक बार, फ्लैश दिखाता हूँ मैं आपको। चेक करो, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप भी कभी अमृतसर आते हो तो भाई, बटेर खाने का मन है ना, तो बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर पर ज़रूर आओ। यहाँ पे आपको बटेर खाने को मिलेगा, मटन खाने को मिलेगा, फ़िश खाने को मिलेगी, बहुत सारी खरोड़ा खाने को मिलेगा, काफ़ी सारी आइटम्स हैं नॉनवेज में, जो आप खाना चाहते हो मज़ा आएगा आपको, बहुत ही फ्लेवरफुल आइटम्स हैं यहाँ पे, ज़रूर आइए। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरी रेसिपी मैंने आपको दिया है किस तरीके से ये बटेर बनाया जाता है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, टेस्टी वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।